प्रणाम दोस्तों, मैं सखा सखा वेलनेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूं जो कि सर्वाधिक किया जा रहा है। तो हमारी टीम की तरफ से हमें इन्फॉर्म किया गया कि मैं इस प्रश्न पे भी थोड़ा सा कुछ बोलूं। सखा वेलनेस में जो लोग भी उपचार लेना चाहते हैं तो सखा वेलनेस में उपचार लेने का पहला स्टेप है जो कि सर्वाधिक कीमती स्टेप है, तो आज मैं यहाँ उस स्टेप के संबंध में आपको बताने आया हूँ। पहला स्टेप है हमारा कि जो लोग भी संपर्क करते हैं, वो चाहे कोई बीमारी के लिए करते हों, चाहे मेडिटेशन के लिए करते हों, तो उनको सबसे पहले स्टेप में एक ई फॉर्म भरना होता है। तो आप हमें संपर्क जब करते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपको वो फॉर्म भेजा जाएगा, ई फॉर्म, जिसे आप नेट पे ही भर सकते हैं। उसे भरने का जो सबसे बड़ा कारण है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उस फॉर्म को भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आपका उपचार किसी दवाई के माध्यम से नहीं करते, हम आपका उपचार करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, रागा के माध्यम से, योग निद्रा और हाइड्रोजन थेरेपी के माध्यम से। तो उसमें रागा आपके व्यक्तित्व के हिसाब से चुना जाना और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली का पूरा जो है विवरण हमें मिलना जरूरी होता है, इसलिए आपसे फॉर्म भरवाया जाता है। तो जो मित्र सखा वेलनेस में उपचार लेना चाहते हैं उनको फॉर्म भरना जरूरी होगा। हाँ, फॉर्म का एक शुल्क है और 2100 रुपये उसका शुल्क है, जो 2100 रुपये आप देने के बाद ही आपके फॉर्म की स्टडी की जाती है। उसमें 2100 रुपये में बिल्कुल सीधी सी बात है, यदि हमारा तरफ से ऐसा पाया जाता है कि आपका उपचार संभव नहीं है तो आपके वो 2100 रुपये वापिस हमको कर दिए जाएंगे, और यदि उपचार आपका संभव है ये पाया जाता है तो 2100 रुपये आपकी जो आगे की फीस होगी उसमें लेस कर दिए जाएंगे। इसलिए आपको उस 2100 रुपये के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि फॉर्म भरवाया जा रहा है, अब उनको अगर ज्योतिष के लिए भरवाया जा रहा है तो उनकी डेट सही नहीं है या टाइम सही नहीं है तो उसमें क्या होगा। असल में यही कारण है कि हमने उस फॉर्म को लंबा बनाया है। उसमें थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व के बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए ली जाती है कि यदि किसी वजह से आपकी डेट और टाइमिंग सही नहीं है तो आपके व्यक्तित्व से भी एक कुंडली बनाई जा सके। कुंडली बहुत प्रकार से बनाई जाती है तो उसमें एक व्यक्तित्व से भी आपकी कुंडली का मिलान हो सकता है। सबसे बेस्ट जो है, मैं फिर कह दूं, 100% रिजल्ट जो हैं वो जिनकी कुंडली एक्यूरेट टाइम होती है उनके आते हैं, जिनकी एक्यूरेट नहीं होगी उनका थोड़ा परसेंटेज कम होता है, लेकिन काफ़ी हद तक हम उसको क्योर कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का पहला प्रोसीजर है। बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, आप हमसे बस सखा जी की बात करा दीजिए, हम सखा जी को सारा समझा देंगे। तो देखिए, सखा जी के समझने से खाली कुछ नहीं होगा, हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है। जब तक पूरी टीम उसको देख के समझ के नहीं बात कर लेती तब तक हम आपसे बात करना नहीं चाहते। हाँ, आपके फॉर्म भरने के बाद जब हम ये देख लेते हैं कि आपके फॉर्म के बाद आपका उपचार कितने दिन में होगा, कितना खर्च आएगा, क्या चीज़ें हैं, तब हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। आपके बिना फॉर्म भरे हम आपको ये भी नहीं बता सकते कि आप ठीक होंगे या नहीं, कितने दिन में ठीक होंगे या नहीं, या फिर आपका कितना इसमें खर्च आएगा या नहीं। ये कोई भी बात तब तक बताना संभव नहीं है जब तक आप इसके पहले प्रोसेस से नहीं गुजर लेते, और जो व्यक्ति पहले प्रोसेस से भी गुजरना नहीं चाहता, यहीं इसी वीडियो में मैं कहता हूं कि सखा वेलनेस में उनके इलाज की कोई संभावना नहीं है क्योंकि पहला चरण ही आपका संदेह से भरा हुआ आप उठाते हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सखा वेलनेस में ध्यान के लिए या इलाज के लिए आना चाहते हैं, उन्हें हमारे इस प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा, इसके बगैर कोई संभावना नहीं। दूसरी बात, आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप उसमें कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या किसी भी इन्फॉर्मेशन को छुपाने का काम नहीं करेंगे, आपको सब उसमें सही सही भरना होगा। कई बार ऐसे पाया गया है कि उसमें तो फॉर्म भरते वक्त तो आदमी ऐसे भरता है जैसे IAS की परीक्षा उसे पास करनी है, तो सब अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भर दें, और जब उसका इलाज शुरू होता है तब वो बताता है हमने ये फॉर्म में नहीं भरा था, हमने वो फॉर्म में नहीं भरा था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की हरकत करता है, फॉर्म में इन्फॉर्मेशन छुपाता है, बाद में हमें बताता है, तो उसके बारे में भी बिल्कुल सीधी सी बात, ये वो सही नहीं हो पाएगा, उसका इलाज सही नहीं हो सकता। तो प्लीज़,
आप हमारी भी मजबूरी समझिए, हमारे उस प्रोसेस को भी समझिए जिसकी वजह से हमें ऐसा कराना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ी बात, ये विश्वास का केंद्र है। यदि आपको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है तो आप हमसे संपर्क ना ही करें तो बहुत बेहतर रहेगा। इसमें आपका भी समय बचता है, हमारा भी समय बचता है। हम चाहते हैं केवल संजीदगी के साथ जो लोग अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंट देते हैं, वो लोग हमसे संपर्क करें। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको एक स्वस्थ जीवन, एक समृद्ध जीवन, एक ध्यान से भरा हुआ जीवन उन्हें उपलब्ध कराएं। हाँ।